लखीमपुर खीरी में एक बड़ा विवाद उस समय उत्पन्न हुआ जब बीजेपी के सदर विधायक योगेश वर्मा पर बार संघ अध्यक्ष अवधेश सिंह द्वारा हमला किया गया और अवधेश सिंह ने उनको मारा पीटा। यह अप्रत्याशित घटना शहर के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सामने हुई, जहां दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई, हाथापाई की गई। चौंकाने वाली बात यह रही कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही और उसने कुछ हस्तक्षेप नहीं किया। घटना तब शुरू हुई जब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में मतदाता सूची को फाड़ने का मामला उठा। विधायक योगेश वर्मा ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई, जिससे दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ता चला गया। मतदाता सूची को लेकर विधायक और बार संघ अध्यक्ष अवधेश सिंह के बीच विवाद और उग्र हो गया। देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि अवधेश सिंह ने विधायक पर हमला कर दिया। विधायक योगेश वर्मा पर हमले के बाद स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी और दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस हंगामे के कारण बैंक के सामने तनावपूर्ण माहौल बन गया। हालांकि घटनास्थल पर पुलिस मौजूद थी, लेकिन उन्होंने स्थिति को नियंत्रित करने में कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई, जिससे आम जनता में आक्रोश फैल गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह घटना न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि प्रशासनिक तंत्र में किस प्रकार की लापरवाही हो रही है। जनता का कहना है कि पुलिस का मूक दर्शक बने रहना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, खासकर तब जब एक जनप्रतिनिधि पर हमला हो रहा हो। इस मारपीट के बाद शहर में तनाव बढ़ गया है और दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच विवाद और उग्र हो सकता है। प्रशासनिक अधिकारियों से इस हमले की जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं पुलिस के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जो कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में विफल रही। आपको बता दें कि जो विधायक योगेश वर्मा हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं और उनको अवधेश सिंह ने मारा है। अवधेश सिंह जो बार संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बीजेपी के विधायक योगेश वर्मा को पीटा है।